अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं सेवई। तो सेवई कैसे बनाते हैं, सूखी वाली, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसके लिए एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम इस छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप चाहे तो डालडे में भी इसको बना सकते हैं। घी को हमें गर्म होने देना है। जब घी हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है अपनी पसंद से आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही मैं इसमें 3 हरी इलायची ऐड करूंगी और इन्हें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी घी में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके थे तो इसमें 1/2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है और 5 छोटे चम्मच मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। जो चम्मच से मैंने घी डाला था उसी चम्मच से 5 चम्मच शक्कर ऐड की है मैंने। अब पानी को हमें बॉईल आने देना है और पानी आपको संभाल के केयरफुली डालना है क्योंकि उड़ता है पानी। ये मैंने भुनी हुई सेवी ली है, इसको मैंने तोड़ लिया है, आधी पैकेट ली है। जो 1 पैकेट होती है उसकी मैंने आधी पैकेट ली है, उसको तोड़ लिया है। तोड़कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी सेवई भुनी हुई नहीं है तो आप इसको पहले घी में भून लें, उसके बाद इसको बनाए। तो सारी सेवई ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है। हर तरफ से सेवई जो है पानी में डूब जाना चाहिए, भीग जाना चाहिए पानी में, वरना कच्ची पक्की रह सकती है आपकी सेवई। और इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, वरना एकदम घिच-घिच सी नरम नरम एकदम बनेगी, वैसी सेवई अच्छी नहीं लगती है खाने में। इसलिए थोड़ा ही पानी ऐड करना है, इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से मैंने डीप कर दिया है और जल्दी से ये नरम भी हो चुकी है। इसके पानी को मैंने पूरा सुखा लिया है फुल फ्लेम पर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसको थाली से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए बस दम दे देना है। और हमारी सेवई जो है बन के देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 मिनट मैंने इसको दम दे दिया और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बनी है हमारी सेवई। और बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, जल्दी से आप इसको बना सकते हो। कोई मेहमान आए तो, या फिर ईद में भी आप इसको बना सकते हो। आप इसमें मावा या कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए, हमारी सूखी सेवई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ईद पर बनाएं, इंजॉय करें। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।